सर, शूटिंग का कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें आपने दिल से बहुत मजा किया। हमें पता चला कि आपको फिल्म में बाइक्स का बहुत शौक है, तो बाइक्स पे भी स्टंट्स देखने को मिलेंगे। मुझे बेहद बहुत पसंद है, बुलेट तो खैर शान है पंजाबी। आने वाले टाइम में क्या हम आपको पंजाबी फिल्मों में देख पाएंगे? कई सपना है कि वो मेरे साथ एक दिन पंजाबी फिल्म भी बनाए, तो मे बी यस डेफिनेटली। आपने कभी पंजाबी गाना सुना है? मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं पंजाबी बॉक्स। दोस्तों, आज गन्स ऑफ बनारस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम उनसे करेंगे कुछ बातें और उनकी इंट्रोडक्शन वो खुद देते हैं। गुड्डू शुक्ला इंट्रोडक्शन है हमारा। दो जगह दस्तक देना हम कभी नहीं भूलते, एक गंगा मैया का तट और दूसरा काशी विश्वनाथ का पट। मैम, आप भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। I don't have introduction. मैं हेमा हूँ। हेमा जी हैं। ये हेमा जी हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं करण नाथ सर और नथालिया कौर जी। तो सबसे पहले आपका पंजाब में और हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आपकी फिल्म आ रही है गन्स ऑफ बनारस, तो 10 साल बाद, करीब 10 साल के बाद आप इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ फाइनली। एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं ऑनेस्टली, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बहुत पहले वापस आना चाहता था, बट हम कोशिश तो काफ़ी कुछ करते हैं, बट ऊपर वाला जो ऊपर वाला जो हमारे वाहेगुरु जी, वही डिसाइड करते हैं सब कुछ, वही स्टोरी स्क्रीन प्ले सब लिखते हैं हमारा। तो उन्होंने यही तय किया था कि हम 2020 में आएंगे, तो 2020 में हम आ गए आप लोग के सामने। तो सर, जब सबसे पहले इस फिल्म की कहानी आपके सामने रखी गई, हाँ जी, तो क्या अच्छा लगा इस कहानी में जो आपने इसके लिए हाँ बोला? हाँ जी, देखिए भाई साहब, जब ये फिल्म, ये पोला धवन का रीमेक है। पोला धवन एक तमिल फिल्म है जिसमें धनुष थे, एंड ये बहुत बड़ा है, सक्सेस हुआ था डाउन साउथ। तो जब मैंने ये फिल्म देखी फर्स्ट टाइम, मुझे बेहद पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी। इसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्क्रीन प्ले इज़ द USP ऑफ द फिल्म। तो मुझे इंस्टेंटली देखकर लगा कि इस फिल्म को हमें नॉर्थ ऑडियंस के सामने भी लाना चाहिए, ईस्ट वेस्ट इंटायर हिंदी बेल्ट के सामने लाना चाहिए, क्योंकि इसमें वो मसाला है, वो इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। तो हमने इस फिल्म को बनारस में बेस कर दिया। सर, जैसा कि आपने बताया ये फिल्म बनारस में शूट की गई, तो बनारस में आपने, आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? डुबकी बुबकी भी लगवाई कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लगवाई डुबकी उबकी, एंड जो खास करके जो गंगा आरती का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही कमाल का था। एवरी इवनिंग हमें दर्शन करने मिलता था, एंड प्लस बनारस के लोग बहुत ही सपोर्टिव थे, दे वो काफ़ी काफ़ी प्यार मोहब्बत से हमने वहाँ पर शूटिंग की। मतलब 2 महीने थे हम वहाँ पर, एंड हमें कभी भी कोई दिक्कत कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं वहाँ पर। जब भी हम शूट करते थे, हम एक्चुअल रियल लोकेशन में हमने शूटिंग की, कहीं भी सेट में नहीं लगाया वहाँ पर। तो भारी तादाद में लोग आ जाते थे, एंड एवरी शॉट के बाद जब शॉट ख़त्म होता था, दे यूज़ स्टार्ट क्लैपिंग। तो काफ़ी सपोर्ट करते थे हमें, एंड बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा बनारस में। मैम, हाउ इज योर एक्सपीरियंस एट बनारस? अमेजिंग, लाइक ही सेड, पीपल they were very warm, very welcoming. We didn't have any problem. Actually, they were really respectful and proud that I think that we were shooting there. And food there was also amazing, the sweets. And yes, we were there for I think 2 months or so. And the vibes there are very nice. I think because the energy, it's different because of the Ganga and the temples. It was really nice. Tell us anything, something best of this movie that you like the most. I think it's all the love involved and all the process. I think we all had a lot of expectations because we were dreaming about this moment. We have, I think Karan was looking for this role. He was waiting for this moment. I was looking for this role, and I was waiting patiently for this moment, that this moment will come and would happen. And being here right now and working on this project and having all these people that we are surrounded of, like Shaina, him, Ashok Ji, Riku sir, our director Shekhar, even our co-actors Abhimanyu, Ganesh. It was amazing. It couldn't have happened in a better way. And yeah, I feel very blessed to be part of this project. Sir, shooting ka koi aisa sequence jisme aapne dil se bahut maza kiya ho? Dil se action scenes mein
बहुत बेहद मज़ा किया, खास करके जब लास्ट हमारा जो क्लाइमेक्स फाइट जो शूट किया श्याम जी ने, जो हमने सारे स्टंट्स खुद ही दिए, काफ़ी छोटे वोटे भी खाए, वो क्लाइमेक्स के बाद मेरा और गणेश हम दोनों का क्लाइमेक्स हो गया था बॉडी वाइज, वी वर लाइक गॉन फिनिश। सर जैसा कि हमें पता चला कि आपको फिल्म में बाइक्स का बहुत शौक है, तो बाइक्स पे भी स्टंट्स देखने को मिलेंगे हमें? देखिए अभी बाइक्स से ज़्यादा अगर खास करके जैसी जो बुलेट बाइक्स है वो मुझे बेहद बहुत पसंद है, बुलेट तो खैर शान है पंजाब की, सो आई मीन पर तो हर किसी के पास मिल जाएगी। बुलेट के अलावा अपना बाइक्स के अलावा मुझे जीप्स के बहुत शौक है, एंड अभी आई डोंट थिंक मुझे स्टंट्स मतलब स्टंट्स में मैं ट्राई करूँगा कुछ जब तक कुछ ठीक ठाक प्रैक्टिस ना हो करना भी नहीं चाहिए। सर आने वाले टाइम में क्या हम आपको पंजाबी फिल्मों में देख पाएंगे? मेरे डैड का सपना है ये एक्चुअली, तो उन्होंने ये उनका उनकी वजह से हम यहाँ पर आज खड़े हैं, तो उनका ये सपना है कि वो मेरे साथ एक दिन पंजाबी फिल्म भी बनाए, तो मे बी येस डेफिनेटली। आप देखते हैं पंजाबी फिल्में? फिल्में मैं अभी मैंने लास्ट नहीं कुछ टाइम से मैंने फिल्म देखी नहीं है, मैं इसी फिल्म के साथ बिजी था काफ़ी टाइम से, मेरी मासी भी फिल्म बना रहे हैं तो वो भी आई थिंक मार्च में रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्द जी, प्रीति सब जी 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 जी। और सर आप पंजाबी गाने सुनते हैं या फिर हिंदी में या फिर मतलब पंजाबी में आपका टेस्ट कैसा? हाँ जी पंजाबी गाने में ज़्यादा एक्चुअली इंग्लिश गाना ज़्यादा सुनता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैम आपने कभी पंजाबी गाना सुना है? सबसे ज्यादा चलते पंजाबी सॉन्ग्स ही ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हेन यू से व्हेन यू गो टू अ वेडिंग अ पार्टी एंड वी आस्क ओके which type what these people they are getting married, like Punjabi is like okay jo ek gana hai mujhe wo bahut pasand hai tenu suit karda wo mujhe bahut pasand hai wo gana mere itna are nahi yaar aise mai mujhe aap ne ek spot pe dal diya mai bahut hi kharab singer hu bathroom singer acha hu mai but usse zyada nahi acha sir ye rudraksh dikh raha hai aapke gale mein ye aap character ki wajah se yahan person ye character ki wajah se ye banaras se mai लेकर आऊँ गुड्डू लेके आए हैं जी गुड्डू जी लेकर आए हैं ये मेरे साथ ही रहा है तब से जब से हमने शूट चालू किया था एंड अभी तक ये मेरे साथ ही है जी, मेरा लकी चार्म बन गया अभी है। तो सर फिल्म रिलीज पे है तो फिल्म के बारे में आप कुछ जो अपने दर्शकों को खास मैसेज देना चाहेंगे वो आप अभी दे दीजिए। हाँ जी श्योर ये फिल्म में ऐसे कोई मैसेज नहीं है बट इट्स अ वेरी गुड एक्शन फिल्म, वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियंस मिस्टर श्याम जी श्याम कौशल जी का एक्शन है इसमें एंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है जो सोहेल जी ने दिया है मिस्टर सोहेल सेन, उनका लास्ट गाना बाला भी बहुत बड़ा हिट हुआ था, अभी उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे गाने सुनने मिलेंगे हमारी फिल्म में एंड काफ़ी रियलिस्टिक फिल्म है, कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी स्क्रीन प्ले इसका USP है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेज भी हैं मूवी में, अभिमन्यु जी है, शिल्पा जी भी कम बैक कर रहे हैं, शिल्पा शिरोडकर मोहन अगासे जी हैं, तो कास्ट वाइज भी इट हैज़ असेंबल कास्ट एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड 28 को आ रही है रिलीज हो रही है, आई होप इस मूवी को आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार देंगे जितने प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है। For the whole family, can bring everyone, your children, sister, your aunts, everyone can come to the theater and watch it. Yes, can have a lot of fun. Thank you so much, man. Thank you so much, sir. Thanks, sir.